हो जा बल्ले बल्ले कंवर सिंह यादव बने एमएलए, हरी हो जा बल्ले बल्ले कंवर सिंह यादव बने एमएलए। सबके हित में काम करेंगे हमारे कंवर सिंह यादव जी। बीजेपी के नेता बनके चले कंवर सिंह यादव जी, सबके हित में काम करेंगे हमारे कंवर सिंह यादव जी। पग में रंग को झंडा करके रखी सबकी वापस मुंह करके खड़े हो जाओ सभी, इनको बोल दो। इसको हटाओ, ये बोर्ड हटाओ, बोर्ड हटा दो, ये बोर्ड नीचे कर दो। सभी माताएं बहनें पूरे प्रसार से आशीर्वाद चाहे समर्थन देने के लिए पूरे प्रसार में लगातार 2 घंटे से आपके प्रिय उम्मीदवार, आपका प्रिय भाई को आशीर्वाद देने के लिए लगातार प्रसार में पहुंचे हैं। और आज तुलाराम से तुम्हारा से राजधानी का आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आज चुनाव का समय है और आने वाली 5 तारीख को सभी माताओं ने बहनों ने एक आशीर्वाद दिया है, एक संकल्प दिया है कि आने वाली 5 तारीख को अपने भाई को, अपने उम्मीदवार को समर के सामने वाला कदम लगाकर ज्यादा से ज्यादा पूरे हरियाणा में महेंद्रगढ़ विधानसभा के सबसे ज्यादा वोटों को जिताकर देखेंगे, यही संकल्प दिया है। और हमारा चुनाव नंबर भी 1 है और 1 ही नंबर पर रखते हैं। और सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 3 तारीख को माननीय राजनाथ सिंह और माननीय मुख्यमंत्री जी मंत्री में भी आएंगे। सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि इतनी ज्यादा संख्या में आने पहुँचने समर्थन आशीर्वाद देने के लिए मैं सभी का बहुत जनता बहुत प्रकट करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के करीब आगे वेतन का जी प्रधान जी, आज मातृशक्ति ने जो समर्थन दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, जितने मातृशक्ति ने जिस ताकत से और विश्वास से मुझे सहयोग और समर्थन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, मैं सभी माताओं का, बहनों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। लगातार बाजार में 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलकर और राव तुला राम जी को माला अर्पण किया है और मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। इससे ज़्यादा मेरे लिए सौभाग्य की बात नहीं हो सकती। कितनी मातृशक्ति, कितनी भारी संख्या में, कितना उत्साह है, कितनी उमंग है, कितना चाव है। इन्होंने माना है प्रत्याशी नहीं, हमारा भाई है, हमारा भतीजा, हमारा बेटा है। इस उत्साह से, इस उमंग से चुनाव को अपने हाथ में लेकर संकल्प लिया है कि ये चुनाव कंवर सिंह का नहीं है, ये चुनाव मातृशक्ति का है और मातृशक्ति ने अंगड़ाई ली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। सभी माताएं बहनें यहाँ पर आई हैं, सभी का बहुत बहुत सपोर्ट है कंवर सिंह यादव जी को और मेरा भी पूरा सपोर्ट है। और मैं सभी जनता से, सभी महेंद्रगढ़ वासियों से यही कहना चाहूँगी कि कृपया अपना वोट कंवर सिंह यादव को दें, अपने महेंद्रगढ़ का अच्छा विकास करवाएं। धन्यवाद। देखो ऐसा है, आज मातृ शक्ति ने पूरे जोश के साथ बीजेपी को समर्थन देने का जो मन बना रखा था वो उसका आज उन्होंने एक दिखाया है यहाँ पे कि किस तरह से सभी महिलाएं बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगी। बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगी। आज ये कहाँ से शुरू हुआ था और बीच में कहाँ कहाँ होते हुए? आज ये सैनी सभा से शुरू होकर और तुलाराम चौक तक ये मातृ शक्ति का जो जोश आप देख रहे थे ये तुलाराम चौक तक। मैं क्या कहेंगे आज के इस प्रदर्शन के बारे में? मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आखिर में सत्य और सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है और जो ये नारी शक्ति आप देख रहे हो ये सत्य और अच्छाई के साथ खड़ी है और जीत हमारी होगी। हाँ जी, ये जीत आम आदमी की जीत है, ये केवल कवर। हाँ जी, सभी लोग पूरे बढ़ चढ़ के और पूरे मन से इनके साथ है और सभी औरतें यहाँ पर आने के लिए आतुर थी और ये तो मेरे ख्याल से हाफ होंगी, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा औरतें यहाँ आने के लिए तैयार थी और सभी गाँव में हम गए हैं तो सभी गाँव में जो है इनका रिस्पांस जो है 90% से अबव है और सभी बहुत आगे बढ़ चढ़कर इनके लिए काम करने को तैयार है और वो कह रहे हैं ये हमारा नेता है, हमारे बीच का नेता है, हमारे लिए हम इसको जो बीजेपी सरकार ने चुना है तो उन्होंने वाकई में एक बहुत कहते हैं जिसको अहम फैसला लिया है ये और पब्लिक के लिए लिया है और जनता इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। थैंक यू बीजेपी गवर्नमेंट। क्या कहेंगे आज की प्रदर्शन के बारे में? यही कहना चाहूँगी कि इतनी भारी संख्या में जो माताएं बहनें यहाँ पे आई है वो एक विश्वास के साथ आई हैं कि उनको एक विश्वास है कंवर सिंह के ऊपर। अगर वो विधायक चुने जाते हैं तो उनकी एक ख्वाहिश है, उनकी आस पूरी होगी, उनकी मांगे पूरी होंगी, इसलिए सभी ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ यहाँ पे आई है। जी हमारे जो एक बार कहने से हमारी माताएं बहनें जो इकट्ठा हुई हैं उन सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।